बच गया रंजो राय गानी से, इम्तिहानों की परेशानी से, हो गई जब भी टूट कर बारिश, भर गया शहर सारा पानी से, मौसम की अंगड़ाई है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिल, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अरे सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन नहीं सर, वो जो पहना हुआ है ना उन्होंने, क्या बात है सर, कल भी पीला कलर सी, आज भी पीला कलर। अगर एक आदमी पीला पड़ ही गया है तो कुछ मैं रज गया पर कार्ड ते लिखिया 1-3 बजे तक खाना। अपनी बरात लैके जान दे ते अगो काली बिल्ली नंग, कहिंदा चलो वापस चलिए अगले वीक सही। एक दफा किसी की शादी पे गए तो दूल्हे के हार में से 1,000 का नोट तोड़ के भाग लिए, उन्होंने पकड़ लिया। अगर शर्मिंदा ने कहते मैं तो तुम 1,000 दी पान देन लगा। एक बरात च एवं ही वड़ गए ने। अच्छा, ते दूल्हे का प्यो कहिंदा तू कुड़ी वालों के मुंडे वालों? कहिंदा नहीं जी, जेडे पैसे लुटते मैं उन्होंने वालों। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब तौफीक भट। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान लॉयर, जो कि मॉडलिंग और एक्टिंग भी कर रही हैं आप, मोहतरमा आमना हसाम। वेलकम टू द शो जी, माशाल्लाह बट साहब कमाल आते हैं आप, दिल को बड़ी खुशी होती है ना? क्या बात है, गुजरांवाला से आप चलते हैं तो मजा आना शुरू हो जाता है। बटेरे और चिड़े सजते हैं इनके दस्तरखानों पर, बटेरे और चिड़े सजते हैं इनके दस्तरखानों पर, बुढ़ापे में भी छुट पाती नहीं आदत जवानी की, ये ख्वाबों और ख्वाबों दोनों को एक शय समझते हैं। बड़ी तौफीक होती है बटों में सियासतदानी की। साडे मुख ते हासा कोनी, साडे मुख ते हासा कोनी, उन्हां कोल दलासा कोनी, ते छड के टुर गए मुल्क जदों दा, साडा खब्बा पासा कोनी। सादकाबाद की तरफ जाओ, रास्ते में आता बकर है, बकरे के पास कभी ना बैठो, अचानक मारता टक्कर है। काफी दिनों से ये मैं बात पूछना चाह रहा था भट साहब, ये गमलों की चोरी का जो पर्चा हुआ था ये क्या चक्कर जी? तो भट साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वही हशाश पिशाश चेहरा, वही मुस्कुराहट आपको देख के हो जाता। अरे नहीं सर, ये तो आपके चेहरे वैसे भी रहता है, आपकी टीम को देख के हो जाता। लेकिन मुझे ये बताइए, जो हमने आपको पिछले दिनों सफेदे के दरख्त के साथ भागते हुए देखा, ये क्या था? नहीं नहीं, वो मैं एक मसला बन गया था पिछले दिनों हमारे गुजरांवाला में, 1 मिनट में 50,000 दरख्त लगाने का एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाने जा रहे थे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गुजरांवाला। ठीक है, तो जब वो पौधे लगाने उन्होंने शुरू करने थे तो मैंने उनको पहले बताया कि आप 3-3 फुट का फासला ना रखें। ठीक है, जो फलदार दरख्त होते हैं उनका 30 फुट का फासला होता है, ना कि 3 फुट का होता है। अच्छा, जब वो जवान होते हैं तो फिर डाया उनका 3 फुट का होता है, तो 3 फुट का ही आप फासला रख रहे हैं। नीचे से भी इनको खुराक चाहिए होती है दरख्तों को, और ऊपर भी 30 फुट का फासला होगा तो फिर दरख्त बनेगा ना। तो मैं उनको ये सही बात बताने की कोशिश कर रहा था, तो उनको समझ लगी कि शायद ये दरख्तों की मुखालफत कर रहा है। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे आजकल अताउल्लाह ईसा खेलवी का एक गाना चल रहा है, 6 दिन आए हैं। हाँ। वो हकीकत में बुरे दिन आए हुए हैं। ठीक, तो उन्होंने मुझ पे गुस्से में आके फिर हुकूमत ने पर्चा दर्ज कर दिया, मेरे पर दरख्त चोरी का पर्चा दर्ज कर दिया कि ये बंदा आया है, इसने रक्षे पे 50 या 100 दरख्त
या पौधे उठाए और चोरी करके ले गया। इस तरह की बात इन्होंने कर दी। आप देख लें ये माहौल है। ये जितने भी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे पर्चे दर्ज हैं या जितने भी हमारी जमात पे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं ये इसी तरह के हो रहे हैं। अच्छा, के हकीकत का उसके ताल्लुक कोई नहीं होता और वो एफआईआर दर्ज कर नहीं। उन्होंने जाके कहते जो दरख्ते वड्डे होंगे थे मैं पिंग चूटांगा फिर उन्हें पर्चा दे दे। यार नहीं वैसे सर बात तो बड़ी परफेक्ट कर रहे थे। हाँ मगर मेरे ख्याल से वो क्योंकि नून लीग से ताल्लुक है तो शायद इसलिए उनको लगा कि कोई और मामला है और आप उनका रिकॉर्ड खराब करना चाह रहे हैं। बदकिस्मती यही है कि हम वहाँ के अवाम के नुमाइंदे हैं गुजरांवाला से सारे और हमें बिल्कुल लातलक रखा जाता है। तो सर आप एमपी का इलेक्शन जीते हुए हैं उनको आप बताएं। वैसे ये आपने जिक्र किया और मुझे लगता है कि बड़ा एक्सपीरियंस रहा है आपका प्लांटेशन मामले में। मैं पीएचए का चेयरमैन रहा हूँ गुजरांवाला में, ओए होए। इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझता था। ये तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस बयान करने की कोशिश किया तो उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। जालिमों ने सुना ही नहीं एक्सपीरियंस, बल्कि पर्चा दर्ज तो उन्होंने किया है। उसके बाद जो मदई था वो खुद ही थाने में गया, उसने खुद ही मुकदमा वापस भी ले लिया। ये तो पर्चा हो गया फिर कहीं जानने नहीं, डेढ़ डेढ़ फुट ते ला लो ठीक होंगे। ठीक बार साहब पौधिया ना बड़ा प्यार करते सर। अच्छा। ये तो प्लास्टर दे भी लगे उन्होंने भी पानी देते रहने। मैं तो वैसे आपसे ज्यादा प्यार करता हूं। अच्छा। ये आप लोगों का तो खैर चलता रहेगा मगर आमना जी आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी मैंने। सो यू हैव एन आईडिया? हाँ जी आई हैव एन आईडिया। बिल्कुल जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि लॉयर आप हैं? यस मैंने लॉ। और ये एक्टिंग आपने इसके बाद शुरू की या उससे पहले ही कर दिया था काम शुरू? शौक तो मुझे शुरू से ही था। कब से को याद है? जब से मुझे याद पड़ता है बचपन से, जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है मुझे शौक था इस चीज़ का। लॉयर का या एक्टिंग का? एक्टिंग का। ठीक डिग्री। मैंने एजुकेशन कर ली कम्प्लीट, उसके बाद मैंने सोचा कि एक्टिंग को भी एक चांस देना चाहिए क्योंकि शौक है तो उसको तो पूरा करना चाहिए इंसान। शौक है तो पूरा करना चाहिए, बड़ी बात है जी। इनको बचपन से शौक था। आपको भी तो बचपन से शौक था? मुझे भी बचपन से था, आज माशाल्लाह आपके सामने कुछ भी नहीं। ये तो खैर एक अलग बात है बिल्कुल। लेकिन वैसे आपकी इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? नहीं नहीं हुई है। नहीं। आप पहले हैं जो कि उनको मिले हैं? मुलाकात है अभी कब मुलाकात हुई है? अभी तो वो आगे बैठे हैं तो मैं इधर आपकी तरफ देख रहा हूँ बस। मैं माजरा चाहता हूँ, एक मिनट आप उधर देख ले, मैं बात किस तरह कर लेते हैं। अभी तो मुलाकात हुई नहीं, आपकी बात को सही कर रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं मगर यही मुलाकात ना करो। नहीं गुस्सा नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि यही मुलाकात है। तो आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी? और बट साहब जो है वो पहले पॉलिटिशियन है जिनसे आप मिल रही है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे होते पॉलिटिशियन वैसे ही है? ऐसे ही होते हैं, गुजराने दे देविंदर लग रहे हैं। मेरी मुलाकात इनके हस्बैंड से हुई है। हस्बैंड से हो गई? हाँ, उनसे मुलाकात हुई अभी बाहर। अच्छा, बड़े बरिस्टर साहब हैं वो। अच्छा, बड़ा अच्छी मुलाकात। तो फिर तो आपका बनता भी आजकल मिलना बरिस्टरों से। हाँ, क्योंकि जमानत जमानत करानी होती है। उन्होंने पूछ लेना पौधों का केस कितनी देर रहता? वो पौधों का केस तो खत्म हो गया, अब अगले केस का पूछूंगा। अगले केस भी काफी हर गए मेरा, छे सीटा कि वो लै गए ने, दो सीटा तो गड़िया गुजराने। कौन सी है? नून लीग ने। वो कंटोनमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। वो जिस जगह से कंटोनमेंट की ये बात कर रहे हैं ये भी उस जगह के रहसी हैं, इनको सारा पता है। अच्छा। वो पहलवानों का इलाका है और इनको पता है कि जो पहलवान जरा तगड़ा होता है वो कई दफा अपने भार नाल भी डिग पैंदा है। ये हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारे सारे जो चार चार बंदे खड़े हो गए तगड़े थे सारे। अच्छा। वो अपने वजह से गिर पड़े हैं बेचारे। उनमें से दो हमारे आजाद जीत गए हैं, दो हमारे टिकट पे जीत गए हैं और एक सीट पीटीआई की ज्यादा हो गई है समझ ले उस लिहाज से। मगर गिरे हम अपने वजन से ही हैं, पीटीआई का इसमें कोई कमाल नहीं। आपको तो आप जनरल सेक्रेटरी बना दिया गुजरांवाला डिवीजन का मियां साहब ने, तो ये उसके बाद ये हुआ या उससे पहले ये वाकया हो चुका? वो डिवीजन जनरल सेक्रेटरी को पुरानी बात है। अच्छा। ये कंटोनमेंट का तो कल परसों इलेक्शन हुआ। हां तो फिर ये आपको उन्होंने पूछा नहीं कि ये क्या हुआ तौफीक, ये कैसे हुआ, हम हार कैसे गए? अब बताएंगे जब वो पूछेंगे, अभी तक नहीं पूछा, बताएंगे जब उन्होंने पूछना है फिर इंशाल्लाह ताला जो सच बात होगी वो बताएंगे। ओए होए जो बताएंगे सच बात होगी वो बताएंगे। आप वोट कास्ट करती हैं मैडम? हाँ जी। और जिनको किया था वो जीत गए? हाँ जी जीत गए। और बदकिस्मती हमारी ये है कि मुल्क के हालात बहुत खराब जा रहे हैं उसी वजह से। ओह उनकी जीत की वजह? अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा तो आप नहीं खुश हैं इस कारकर्दगी से उनकी? बिल्कुल भी नहीं। और कोई आपका वोट इन्फ्लुएंस चेंज होने का चांस है अगले इलेक्शन में? चांस क्या हो गया? अच्छा हो चुका हुआ है, डिसाइड भी हो गया हुआ है कि आपने अगली बार पीपल्स पार्टी को वोट डालना है? नहीं, पीपल्स पार्टी तो उधर है सर, काफ लीग को।
यही है ना, काफ लीग होगी या पीपल्स पार्टी होगी? पीटीआई को तो बिल्कुल नहीं डालना, वो तो उनको नहीं डालना, तो पीछे यही है, काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है ना, बेहतर क्यों व्हाट्सएप अगला भी ना ले लो साडा भी तो सही ना हमारा पूछे तो खुद पूछ लेना आप पूछे ना सर एंकर आप है ना हम तो पूछेंगे नहीं हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वोट दें तो फिर आप रिक्वेस्ट करें ना आप पूछ रहे हैं तो सारे रिक्वेस्ट ही करते हैं ना नहीं तो आप साथ बैठे हुए रिक्वेस्ट करें देखें जी बात ये है कि हम रिक्वेस्ट भी करेंगे और अपनी कारकर्दगी भी बताएंगे इस मुल्क में लोड शेडिंग किसने खत्म की उधर बताना है अच्छा चले मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको पता है इस मुल्क में लोड शेडिंग किसने खत्म की इमरान खान इस मुल्क में किसने इस मुल्क में जितनी भी सड़कें बनी हैं मोटरवेज जितने बने हैं सारे किसने बनाए जितने हमारे डेवलपमेंट हुए हैं शहरों में वो सारी किसने की जितने हमारे हॉस्पिटल में जितने भी अच्छे इकदाम हुए थे वो किसने किए थे और बुरे वाले? सारे काम जो है वो मुस्लिम लीग नून ने किए थे और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम कोशिश करेंगे अगर हमें मौका मिला तो उन कामों को तेजी से और मजीद अच्छा करने की कोशिश इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आइंदा आप मुस्लिम लीग नून का वोट दें ठीक है मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो हो चुकी है आइंदा हम इंशाल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि आइंदा इससे भी अच्छा करेंगे पिछली जो बातें हमने कर चुके हैं पाकिस्तान एटम बम के धमाके किसने किए और बताएं इस मुल्क को नाकाबिले तस्गीर किसने बनाया अच्छा अब जब 60 रुपए पेट्रोल था वो किसने किया था 60 रुपए पेट्रोल सब्जियां सस्ती किसने की महंगाई खत्म किसने की देखा ना ये सारी बातें ना हम कर चुके हैं किसने की वो हमने मुस्लिम लीग नून ने की नहीं अच्छा, जब आप लोग आए थे आप लोगों ने बढ़ाई भी थी वो कह रहे बढ़ाई भी थी आपने नहीं नहीं आपने जब वोट दिया था आपने सिर्फ इमरान खान की जो सुनहरी खूबसूरत बातें थी उसको वोट दिया था जी जी हमारी छोटी मोटी गलतियां होंगी जरूर मगर आपने वोट इमरान खान की जो सुनहरी खूबसूरत बातें थी उसको दिया था आप खुद फरमा रही हैं कि अब वो सारा हमारे जो ख्वाब थे वो चिकना चूर हो गए हैं उस इमरान खान ने अब आवाम को ये कहना शुरू कर दिया है कि अच्छे दिन आ गए हैं जी जी अगर अच्छे दिन ये हैं तो फिर बुरे दिन क्या होंगे को भूल गया वादा नौकरी को भूल गया जो नचाती थी मुझको जलसों में सियासी वाबस्तगी को भूल गया है खुशी बिजली का बिल कम आना हाय मैं इस खुशी को भूल गया हाय हाय आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात आमना ये बताएं आपने अभी मूवी में भी काम किया है हाँ जी कौन सी फिल्म है ये मिशन ऑफ वायरस मिशन ऑफ वायरस हाँ जी मिशन ऑफ वायरस मिशन ऑफ वायरस नाम है उसका ये और मीरा जी उसके अंदर हैं हाँ जी और ये क्या कोरोना वायरस के बारे में है या उन्होंने एग्जैक्टली कोरोना का नाम तो यूज नहीं किया मगर कुछ ऐसा ही है कि वायरस फैलाना चाह रहे हैं मीरा उसमें रोकेंगी वायरस को फैलने नहीं मीरा तो डॉन है उन्होंने तो फैलाना है अच्छा उन्होंने ही फैलाना है हाँ जी और आई बिलीव आपने मेहरुन्निसा फिल्म के अंदर भी काम किया हाँ जी मैंने काम किया उस फिल्म के अंदर तो मेरे ख्याल से फवाद खान और माहिरा खान है अरे वाह आपको पहले ही बार में फवाद खान और माहिरा खान मिल गए यहाँ पे लोग इतनी इतनी देर से बैठे हुए हैं चांस ही नहीं मिलता यंगस्टर्स को किस्मत ही है मेरी कि मुझे मिल गया उनके साथ काम नहीं बड़ी जबरदस्त बात है कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये अच्छा था अच्छा था हाँ जी वैसे ही थे जैसे लगते हैं कैमरे पे या बहुत वो इतने बड़े स्टार्स हैं तो कैसा आपने पाया उन लोगों को कैमरे में कैसे लगते हैं नहीं कैमरे में नहीं असल में कैसा पाया नहीं असल में तो अच्छे हैं मगर आपने कहा वैसे ही लगते हैं जैसे कैमरे में कैमरे वाले लगते हैं वो तो विजुअली तो उनको बिल्कुल वैसे ही हैं और वैसे इन पर्सन कैसे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं वैसे कोई एटीट्यूड और वो कोई जो होता है नहीं वो नहीं था इसके अंदर मैं उन्होंने एक्टर समझता हूँ तो कैमरे वाले निकले कैमरे में अच्छे लगते हैं भाई अच्छा अच्छा आपने कहा ना कैमरे वाले लोग हैं अच्छा अच्छा वो तो है ही अच्छे माशाल्लाह हाँ कभी हम भी मिलेंगे उनसे सर वैसे आपने भी कोई देखा बीच में कोई ड्रामा फिल्म देखी है कोई नहीं नहीं मैं कोई नहीं देखता सच्ची बात क्यों नहीं देखते पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਚਲ ਇਹ ਆਪਕਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਕੀ ਸੋਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਭੀ ਤੱਕ ਓਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਲਗੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਪ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੌਨ ਸਾ ਡਰਾਮਾ ਕੌਨ ਸਾ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਬਤਾਉਂ ਆਪਕੋ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰ ਦੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਪੁੱਛੇ ਕੌਨ ਸਾ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲਤੇ ਹੈ ਬਟ ਐ ਖਾਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਅਬ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੋ लोगों की खिदमत का ये वाला सर नहीं देखे अच्छा तो बट सब नहीं ये लोगों की खिदमत सियासत जो है ये सब कुछ साइड पे मुझे वो टाइम बताया जब तौफीक भट्ट अकेला होता है
उस वक्त तौफीक भट्ट साहब क्या करते हैं? यकीन करें मुझे कोई खास किसी किस्म की एक्टिविटीज मेरी है नहीं, तो जिस तरह मैं आपको बता सकूँ कि अकेला होता हूँ क्या, हाँ जब अकेला होता हूँ अपने घर वालों के साथ बैठता हूँ, अभी मशीन ला लेने कपड़े, घर वालों के साथ बैठता हूँ, गपशप करता हूँ, ठीक है, या जब मैं फारग टाइम समझता हूँ तो मैं अपने वालदा के पास जाता हूँ, जबरदस्त, उनके साथ कोई 10-15 मिनट 20 मिनट बैठता हूँ और वह हमें लाड़ शाड़ की बातें हैं वो मुझसे करती हैं और मैं भी करता हूँ, तो बस एक मैं उधर जाके थोड़ा सा मजाया हो जाता हूँ अपनी माँ के पास, अच्छा, और एक आपके पास ओके हो जाओ, वैसे आमतौर पर मैं इतना नहीं हूँ, अच्छा, जैसे खुल के बात करता हूँ या आपके साथ करता हूँ स्टेज पे या अपने वालदा के साथ बैठ के करता हूँ, वैसे नहीं करते, जबकि हमारा तो ख्याल था कि आप हर वक्त ऐसे होते होंगे, नहीं नहीं हर वक्त नहीं ऐसा, मतलब सीरियस होते, वैसे कभी हुआ ऐसा आपके साथ के कोई आपसे आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हेल्प मांगते हो लीगली, क्या ख्याल है? और आप तो बहुत ज्यादा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को थरली पढ़ती होंगी, हाँ ऐसा ही है, इसलिए लोग कहते हैं कि यार आप लॉयर हैं तो हमें बहुत डर लगता है, अच्छा, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, ये होता है आपके साथ? ऐसा होता है। और आपके हस्बैंड भी लॉयर हैं? वो भी लॉयर हैं। अच्छा, मैं मेरा सलाम करना के इतना कानून एक ही घर में उनके फादर भी लॉयर है, माशाल्लाह ये तो बनता ही था, तो मतलब आपके घर के बाहर से तो कोई भी नहीं गुजरता होगा, डर के ही गुजरना है, मतलब क्या पता कौन सी दफा लग जाए, आप भी आज लग तो लाए रही रहे, देखना वास्कट वगैरह काली पहने हुई है, ये यूनिफॉर्म होता है, काली नहीं, उन्होंने ब्लू पहनी, सर काली नहीं है, नीली ये लाइटों की वजह से ब्लैक लग रही है, ये लाइटों की वजह से नहीं, आपके आपको लग रही है ब्लैक, मैं सोच रहा था इधर भी वकीलों जैसा बंदा बैठा हुआ है, इधर ओरिजिनल वकील बैठी हुई है, बीच में मुझे भी मुजरिम, मैं इसलिए कह रहा मेरी सीट चेंज करें, तो पता चल गया सारा सेट पूरा आया है, मुदई भी बैठे ने, वकील भी बैठे ने, जैसा भी बैठे ने, ते मुजरिम भी बैठे, मुदई कौन बैठा है? हाँ जी है, देखो ये तो पहले दिन नस जाने वाला मुदई है, Good of you. You know, last weekend I was in Gujranwala. Gujranwala. Yeah, there was a big live show. Okay. उठे मेरी अनाउंसमेंट हुई है, मैं अपना सॉन्ग परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, ये मुंडा शहर लाहौर जा मेरे दिल ते तीर चला, वो सारे चलो मन कहन वो अगे भी सुना चिड़े वो अगे भी सुना बटेरे वो मैनू बटेरे कदी चिड़े ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇਧਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੋ ਜਾਓ ਚਿਰੇ ਔਰ ਬਚੇਰੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਤੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਮੈਂ ਬਚੇਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ 20,000 ਦੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਤੀ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੀ 15,000 ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਰੋਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਘਰ 15,000 ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈ How you doing, sir? Oh, this is good guy. Yes. This is from Gujranwala. Yes, Gujranwala. Yes, last time this guy helped me out. Main apna rent deta the jaan bachi si. Yes. Nahi to mai te mera pakha band kar jandi. Bilkul. Yes. Oh, batere bhi khate hain aur aap bach ke rahiyega. Ye bhi khate hain. गुजरांवाला के इस दफा अपने वकील साहबा पास बैठी हैं मुझसे आप पिछले 6 प्रोग्रामों में एक बहाना करके 30,000 ले चुके हैं इनको मैंने कहा मुझे 30,000 लेके दे इनसे पिछले लेने फयाज़ुल हसन चौहान ही लगे एक वादा मुझसे ये करेंगे तो फिर इनको ये जो कह रहे हैं इनको मिलेगा क्या वादा सर वो वादा ये करेंगे कि मुझसे आपकी सारी टीम ने गुजरांवाला में चिड़े खाने के लिए आना है लेकिन तुम भी सुनो फिर वादा करो उधर अपने बच्चे नहीं छोटे छोटे लेके आओगे कि भाई 5,000 रुपए वापस उस पर बैठ के आना ताकि पूरा गुजरांवाला आपका इस्तकबाल वादा नहीं किया
आपको जो होता है ना वो ज्यादा निकला। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आमना जी बताएं, आपको है खाने पीने का शौक है? और आप कभी गुजरांवाला गई हैं? नहीं सर, आप उनको तो इनवाइट करें पहले। तो मैं तो कह रहा हूँ एक घर में तीन लॉयर मुफ्त आएंगे साथ। सारी टीम नहीं, सारी टीम नहीं, हम तो हो गए अलग। वो देखें, आमना जी पहली बार आई हैं, आपकी पहली मुलाकात हुई है, उनको आप गुजरांवाला खाने के लिए इनवाइट करें। चलें ठीक है, इंशाल्लाह इनको भी दावत आएगी। हाँ जी, इसको दावत देंगे, इनके साथ ही आएंगे हम भी। बिल्कुल पक्का हो गया जो ठीक है। और इनको छोड़े, इन पे तो खैर, आप मुझे बताएं कोई अच्छी सौगात तो बताएं उनको, क्या गुजरांवाला में अट्रैक्शन क्या होगी उनके लिए? गुजरांवाला में हर किस्म के खाने अल्हम्दुलिल्लाह, टिक्के हैं, चिड़े हैं, मटन है, हमारी शनवारी बड़ी मशहूर है गुजरांवाला की, और बहुत चीजें माशाल्लाह। हमारे उधर पिज्जा भी अब बहुत अच्छा बनने लगा है, दही भले हमारे बड़े अच्छे हैं, हर किस्म की जो खाने वाली चीजें हैं गुजरांवाले के नंबर वन है। सारा सन डॉक्टर ने मना की दिया, चीजा और कुछ चीज बेचो तो आपको दे जाएगा पैसे। आपको है इनमें से किसी चीज का शौक? नहीं अभी तक तो नहीं, इन्होंने कुछ ऐसा नाम ही नहीं लिया। आपको किस चीज का खाने का शौक है? मुझे हेल्दी डाइट का मोस्टली शौक है, इनमें सारे ज्यादातर जो है वो हेल्दी डाइट के अंदर कुछ है वहाँ पे? सारे हेल्दी ने और बोलती है गोलगप्पों का हेल्दी बोलती है, बताइए जी हेल्दी तेल उसमें ना हो, ऑयली खाना ना हो, और फ्राइड चीजें ना हो, ना हो अंदर, सैलेड हो जाए, सैलेड हो जाए, ग्रिल्ड चीजें। बताऊं ये जो आप फरमा रही हैं ना, वो भी इंशाल्लाह ताला इनको प्रोवाइड कर देंगे, आने वाली बने इंशाल्लाह ताला, आने वाली आप बने देखें। आप सारे आएंगे जाएंगे तो मैं पूरा आपका इस्तकबाल होगा सारे टीम। अच्छा जी, साडे वास्ते तुसी चिड़े बटेरे, इन्हां वास्ते खिचड़ी बना लेना। नहीं, इन्हां नूं खिचड़ी खानी है ना, खिचड़ी लानी है। यार बड़ा बोर हो रहा है दो तीन दिन। क्यों भी बड़े दिन हो गए, मियां साहब की कॉल नहीं सी आई। अच्छा, वो मैं बोर हो रहा इन्होंने, मियां साहब नु याद कर रहे हैं, ठा कॉल मारी ने। मैनू कहंदे ने छींके आ रही हैं, कहीं तुम तो याद नहीं कर रहे। ओ मैं कह सर दिलां नु दिलां नाल राह आंदे ने, कहंदे ने फिर आ जा वेखी जाएगी जो होएगा। ठीक है, कड्या डाला एयरपोर्ट ते लाया, गो हेलीकॉप्टर ले आया पी हाइड पार्क दे विच। हाइड पार्क में लैंड कर दिया सर, मैं ड्राइवर ही ऐसा उठे ला देना। लैंड कीता, हां लैंड क्रूजर च बैठा ते एवन फील्ड। ओए हां, जाके बेल बॉय ने पूछा, मैं कहा कितने ने मेरे बॉस? ठीक, कहंदे ने छाते एवन फील्ड की। जी सर, गया वो छाते उत्ते। यार एडा सोहना माहौल, मैनू लगे मैं अरब दे विच आ गया। अच्छा, ऐसे सोफे सोहने लगे हुए लाल रंग दे, शनील दे जनाल तकिए पए, मियां साहब एडे सोहने लग रहे ते टेक ला के बैठे। आ मैं उहनां नाल वेख्या, आए उन्होंने मेरे नाल वेख्या, चेहरे दे उत्ते मुस्कुराहट आई है। मैनू कहंदे ने बिल्कुल सही टाइम ते आए हैं, आ हुणे पार्टी मीटिंग खत्म होई है, भई उत्थे भी पार्टी दे बड़े कारकुन हैगे ने ना, ते बस है खाना लगन लगा है, तू खा के जाना है। मेरे दिल च भी यही सी, आ गए नाल खाना, एक डिश दो डिश तीन डिश, डिशा ही डिशियां उत्ते लगी हुई हैं। ठीक है, मैं हल्का हल्का सारा चेक किया, भाई बड़ा स्वाद खाना, आ खाना खा के मैं मियाँ साहब को आया। आ मियाँ साहब कोई गल शुरू ही करन लगे ने, उत्तों एक कैटरिंग वाला लिस्ट लै के आया है। मियाँ साहब ने कहा भी निरगोली आ जरा लिस्ट पढ़ के भी खा। मैं करके लिस्ट फड़ीए, उहदे च 20 परातां घट, 16 गिलास घट, ते 60 चमचे घट। ठीक है, मैं कहा सर चमचे को ज्यादा नहीं घट गए? बड़ी गल करांगे। अच्छा करते ने,
याद करते ने प्यार करते ने फिर गल्ला नहीं करते ने। मैं कह सर उत्ते तुहाडी गल ठीक है लेकिन सरे बर्तन बड़े घट गए ने ये ते पाउंडा च पैसे देने पैने ने। पाकिस्तान अंदर ते खैर सी ओ 6,000-8,000 दा इत्थे ते पाउंडा ही देने पैने ये हुण बर्तन किवें पूरे करांगे। उन्होंने ही करके इसहाक डार साहब वल वेख्या इसहाक डार साहब ने मेरे वल वेख्या ओ कहंदे ने पुत्तर मैं डालर पूरे कर ले सने ते भांडे ने खुशी होंदी है भाई एडी मेहनत और मुहब्बत नाल अपने इलाके दे विच लोकां दी खिदमत करदे ने भाई कुछ ना कुछ लभदा ही होना। नरगोली आया ते बड़सा परेशान हो के लगदा नवां केस निकला कदे जिंदगी च वी नहीं आ पिछे पौदियां दा केस होया पुछो बिरा पहुंचा के नहीं उठता आ गया थाने दे विच नहीं उन्होंने पछाणे वर्दी नहीं ना पाई हुई सी कढ़िया फिर मैं कार्ड मैं कह तौफीक व्हाट्सएप इट हैज बीन फ्रेंड परचा उसले खारिज जी सर सानू दोवां नूं भी खारिज उन्होंने कहा तुसीं भी निकलो हो गया गुड मेरी जानी है कि जिथे भी कोई प्रॉब्लम होएगी था पहुंचांगा इंशाल्लाह। पुलिस वालों ने वैसे अच्छा किरदार अदा किया इस दफा। एक दिन इन्होंने FIR दी और अगली तारीख पे इन्होंने खुद ही खारिज भी कर दी। ये बड़ी वैसे मौजजाती बात है हम खुद ही हैरान है ये खारिज कैसे कर दी इन्होंने। अरे तुसी हैरान होने जो तुम अगले 5 साल फिर हुकूमत आनी है आम की हुकूमत फिर दोबारा आएगी। ये आमना हसन साहब बन बुलाए हसन नहीं हसाम जशी है हां हैं आमना शेख साहब दा मैं फैन अच्छा उन्होंने दी वजह तो मैंने इन्हां दा नाम याद रहिंदा यार कमाल फनकारा ने आमना शेख साहब सर एक फोटो हो जाए माशाल्लाह फोटो हर बार खिंच लेंदे देंदे नहीं मैनू तो असी सर जमा कराने दी नैब वाले ने थैंक यू मैम। असल जे नैब वाले जेड़े ने सर वो अपनी एल्बम कढ रहे ने वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं हमने ये बताइए आधी रात का वक्त है आप शदीद बोर हो रही हैं फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब शेख रशीद और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत लिफ्ट के अंदर एंटर हुई है तीन लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी है एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नादिया हुसैन हुमा फैसल और HSY तो सेल्फी किसके साथ है हसन शहयार HSY के साथ स्माइल किनको देंगी नादिया को और किनको कह रही कि फ्लोर आ गया जो रह गई है हुमा फैसल ठीक है ये बताएं एक तस्वीर मजबूरी के तहत आपको बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस पर पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो टाइटैनिक पर जा रही हैं दो VIP पास आपके पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद हुमायूं सईद ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को देना चाहेंगी आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और तौफीक भट साहब। फवाद खान भट साहब ये क्या हुआ चलो इन्होंने कैंसिल कर दो प्रोग्राम नहीं मगर देख लें फवाद खान आपने फवाद खान को देखा हुआ वैसे मुझे नहीं पता कौन है फवाद क्या एक्टर है जी SHO लगा गुजराले नवा चलो वो ना अपना क्लास वाला ही चुनना सी ना ठीक है चुन लिया वो भी तो होता है ना कि देखें वो साथ बैठा हुआ तो इंसान मरवतन इन ना भी मैंने को नहीं लाना फिर ना कोई बात नहीं क्वेश्चन नहीं है ठीक है ले भट साहब बताएं फिर कोई तीन नाम आपने मुझे बताने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जिनको आप चाहेंगे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हो आप कहीं से भी बता सकते हैं पूरे पाकिस्तान में से सिंध बलोचिस्तान KP पंजाब कहीं से मुझे नहीं जहन में आ रहा फिर जनरल नॉलेज पे जाना पड़ जाएगा। अच्छा जी हाँ जी असेंबली में ढूंढे याद करें कोई जहन आप दें कोई नाम दो आप बताएं ना असेंबली जाते हैं वहाँ पे कोई आपको कोई ऐसा तो नहीं हाँ हाँ कहीं से भी बताएं आप नाम भाई असेंबली में एक हमारे इधर उमर ढिल्लू साहब हैं ठीक है जी शेखुपुरा से ये MP हैं बिल्कुल अच्छा नफीस उमर ढिल्लू हो गए एक मिनिस्टर साहब है ना हेल्थ के मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ठीक है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब दो हो गई एक और नाम भट साहब और भी कोई आप ही गाइड करें मुझे नहीं नहीं कम ऑन भट साहब और सोचें कोई एक और नाम
और क्या सारे पीटीआई के ऐसे ही हैं बंदे, मैं क्या नाम लूँ। जफरुल्लाह अलवी को आ जाना चाहिए वैसे मेरे। जफरुल्लाह अलवी क्या नाम है उसका जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब जफरुल्लाह है। आप देखे कितनी मुश्किल से मुझे तीन नाम मिले हैं पीटीआई। ठीक है जी, तीन नाम हो गए सर हमारे पास। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लिफ्ट में एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहने के फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है अमानुल्लाह वड़ाइच, इरफान गुज्जर और मोहम्मद नवाज चौहान। सेल्फी किसके साथ है? ये नाम आपने किधर से ले लिया? ठीक है, स्माइल किसको दे रहे हैं? अमानुल्लाह वड़ाइच को दे। अमानुल्लाह वड़ाइच। और फ्लोर किसका आ गया है? फ्लोर लड़का जरा यंग है, इरफान बशीर गुज्जर, उसको कह देंगे। चल कह देंगे, फ्लोर आ गया तेरा। ठीक है जी, फ्लोर आ गया हुआ है। सर तीन लोगों का नाम दूंगा, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। वादा आएगा तो नहीं आएगा अभी आगे आएगा फोन। ऑप्शन आपके पास जो है वो है ख्वाजा साद रफीक, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी और जनाब खुरम दस्तगीर। अच्छा। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? ख्वाजा साद रफीक। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? खुरम साहब को मैसेज पे दूंगा क्योंकि वो मैसेज पे ही बात करते हैं। और किसका है तो अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे आप? वो मैंने पहले ही रख दिया हुआ साइड। वो किसका फोन है? जिनका नाम है वो साइड पे रखे। वो कौन है? आपने नाम लिया ना? आप लेना नाम। वो हमारे लीडर है। लीडर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। उनका फोन आया तो आप बंद करके साइड पर रख देंगे अपना फोन? ठीक है जी। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा होगा जिसको व्हाट्सएप रोज सुबह देखना पड़ेगा? ऑप्शंस है शहजाद अकबर और शहबाज गिल। ये तो आपने जनरल नॉलेज जाने वाली बात की है, डर जाऊंगा दोनों की तस्वीर। ये तो देखिए कर लेते हैं दोनों में, आप बताएं। एक शहजाद अकबर है और एक शहबाज गिल है। शहबाज गिल कोई ठीक है उसको लगा लो। शहबाज गिल कुछ ठीक है उनको लगा लेते हैं। ठीक है सर, ये बता दें फिर, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट के अंदर, दो लोग हैं, किसी एक को आपने चांद पर छोड़ कर आना है, किसको चाहते हैं चांद पर छोड़ देना? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हिना परवेज भट्ट और मरियम औरंगजेब। चांद पर छोड़ के आ जाना है? हाँ जी, जी। हिना परवेज भट्ट ही छोड़ के आ जाऊंगा, वो काफी माशाल्लाह एक्टिव है, वो नीचे खुद आ जाएंगे। ठीक है, हिना परवेज भट्ट हो गए। टाइटैनिक पर भट्ट साहब दो वीआईपी पास, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदोस आशिक अवान और आमना। मैं नहीं चाहता जो इन्होंने मेरे साथ सलूक किया मैं इनके साथ करूं। ठीक है तो मैं चाहता हूं चलें इनका ही नाम ले लें। इनका ही नाम ले लें आमना के साथ? अच्छा इनका ही ले लें। डॉक्टर फरदोस आशिक अवान का नहीं आपने लिया? ठीक है ले लें। ये बताएं सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास है कैसर पिया और अकरम उदास। अकरम उदास अगर डुबया लगता है। नहीं तो डिज मार दई है ना डुबे ही नहीं। नहीं नहीं गुजरा वाला भी ऊपर से अब वोट भी लाना है अकरम उदास को, खुदा का नाम है अकरम उदास ही नाम ले लो। तौफीक भट्ट साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आमना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।